हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से 27 सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसका लास्ट डेट है 7 सितंबर को। कृपया ध्यान रखिएगा, जिसका लास्ट डेट है 7 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिसिन में कौन से डेट में कितना सारा जो पोस्ट है, यहाँ पर इक्वल करके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी पे, पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आइएगा तो यहाँ बताया गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द सीनियर मेडिकल ऑफिसर। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेंट कैन अप्लाई भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। जॉब नोटिफिकेशन शो द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट बिफोर 7 सितंबर। जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा उसका मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, उसके थ्रू आपको जो है अप्लाई करना होगा। बी विल अनाउंस द नोटिफिकेशन। द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर हैज़ बीन रिलीज्ड ऑफिशियली। MS MD पास कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब ओपनिंग। कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलोन कैन अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट .com। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ पे से जाके भी आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 7 सितंबर को है। भेल सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट का, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट में 27 पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी सीनियर मेडिकल पोस्ट में यह बताया जा रहा है कि एस्पेंट मास्ट भी सर्टिफिकेट डिग्री होना चाहिए, MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। एज लिमिट जो है 37 साल के कम होना चाहिए। काफ़ी अच्छा सैलरी है, 17,000 से लेकर 2 लाख के बीच में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक दे दूँगा, एप्लीकेशन लिंक डाउनलोड करने एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट में भी आके भी देख सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को जो मैंने बताया कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइज टू कीप द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी टू हेल्प द फिलिंग द ऑनलाइन। अगर कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिल एवरी सेक्शन पर्सनल डिटेल्स, आपको वहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्सेट्रा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग अप द फील्ड्स मार्क, जो भी स्टार मार्क में रहेंगे वो आपको मैंडेटरी फिल करना होगा। आफ्टर कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक टू सबमिट बटन एंड एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी जनरेटेड। दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन। मतलब आपको अगर एडमिट कार्ड चेक करना है आपका, इन फ्यूचर जो भी काम होगा आपको एप्लीकेशन नंबर सेव करके रखना होगा, ठीक है। आप सब उसको आपको फोटो कॉपी डाउनलोड मतलब स्कैन करके स्कैन इमेज डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पे रखना होगा, ठीक है। अपलोडिंग ब्लर्ड एडिटेड इमेज इनका डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। तो ये सिंपल सा अपडेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो बता दीजिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाले गए थे। और इसे बताना चाहूँगा कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप किसी भी और एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे, जिसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप उस लिंक के थ्रू जो है टेक्स्टबुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्स्टबुक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप काफ़ी सारे एग्जाम्स का जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। क्यों मैं टेक्स्टबुक ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्टबुक का यूज़र बेस काफ़ी सही है, 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र बेस है, साथ ही साथ सिलेक्शन हो चुका है 50,000 से ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे।